एप्लीकेशंस ऑफ मोल, मोल को अप्लाई कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? तो ऑब्वियसली किसी रिएक्शन में करेंगे। अब तक हम लोग मोल निकालना जान चुके हैं, अब इस मोल और उस मोल निकालने के लिए कई सारे हम लोग कंसेप्ट यूज़ किए, जिसमें पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं नंबर के रेस्पेक्ट में, कि अगर हमको नंबर पता हो तो मोल निकालेंगे कैसे, गिवेन नंबर बाई एवोगाड्रोस नंबर। इससे दूसरा इन टर्म्स ऑफ मास, अगर हमको वेट पता हो या मास पता हो तो वहाँ पर हम लोग मोल्स निकालेंगे। वेट इन ग्राम बाई एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास, और आयंस है तो ग्राम आयनिक मास। तीसरा हम लोग देखें किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर किसी गैस के लिए मोल्स निकालना हो तो आइडियल गैस इक्वेशन, किसी गैस बोले तो यहाँ पर आइडियल गैस, क्योंकि रियल गैस की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, आइडियल गैस, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन से मोल निकालेंगे, एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। और चौथा केस हम लोग देखे थे जहाँ पर कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एनटीपी पे अगर हमको मोल निकालना हो तो वहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जो कि 22.4 हम लोग लेते थे, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4 करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। तो ये चार तरीका हम लोग देखे मोल्स निकालने के लिए, और अब तक इन्हीं चार तरीका से जो मोल निकालते थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग किए हैं। अब हमें इस मोल का एप्लीकेशंस किसी रिएक्शंस में कैसे करना है, इसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। मतलब मोल का एप्लीकेशंस हम लोग जहाँ करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस में जब हम मोल को अप्लाई करेंगे तो उससे हम केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे, और केमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मोल इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्टोइकोमेट्री, मतलब मोल को अप्लाई करना। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या करना है, कुछ कंसेप्ट पहले हम जानेंगे, फिर उस कंसेप्ट को यूज करेंगे सही डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन हम लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। हाँ, तरीका यही है, हर जगह इसी तरीका को यूज़ करना है, लेकिन तरीका में जो चीज़ हम यूज कर रहे होंगे, जो प्रोसेस है, जो वे है, उस वे को आप स्पष्ट समझिएगा, क्योंकि ये वे अगर समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है, एप्लीकेशंस ऑफ मोल इज नथिंग। अगर वे नहीं समझ में आया तो फिर वही कन्फ्यूजन होगा, हम क्या करें, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, ये सारा कन्फ्यूजन होगा और मोल भारी हो जाएगा। मतलब मोल जस्ट अब स्टार्ट हुआ है, अब तक मोल हम लोग बस जाने हैं मोल निकालना, बट मोल को अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और वो चीज़ जो मेन मोल कंसेप्ट है वो ये है कि इसको हम अप्लाई कैसे करें। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें हम एक रिएक्शन उठाए, अमोनिया का फॉर्मेशन। इस अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और अमोनिया दिया, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया गैस। जब भी कोई रिएक्शन दिया हो या रिएक्शन हमें खुद से लिखना हो, इन बोथ द केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये अभी के लिए है, स्टार्टिंग में आपको बैलेंस करके करना है, बाद में हम बहुत सारा मेथड देखेंगे जिसमें बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अभी जब हम शुरुआत में सीख रहे हैं एप्लीकेशन करेंगे तो उस केस में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बिना बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस मोल के एप्लीकेशंस को बिना केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके भी करेंगे, और इसके दो मेथड बताएंगे, दो मेथड इसके अलावा जिसमें कि बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एक इसमें आएगा आगे PUSC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और दूसरा आएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये दो ऐसा मेथड है जहां पर बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है,
बैलेंसिंग के बिना भी आप केमिकल रिएक्शंस में मोल के कंसेप्ट से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वहाँ मोल मेथड नहीं होगा, कुछ और मेथड होगा। मतलब मोल जो मेन मोल मेथड से क्वेश्चंस करने का जो हम प्रोसेस देख रहे हैं उसमें बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो कुल मिलाकर के अभी जब तक कि हम पीयूएसी कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे पास एक ही हथियार है और वो है बैलेंसिंग। बिना बैलेंसिंग हम मोल के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन दिया है या हमें रिएक्शन खुद से बनाना हो तो रिएक्शन लिखने के बाद उसे बैलेंस करना है, ठीक। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस किए तो यहाँ पर क्या होगा, N2+3H2 gives 2NH3। अब हमें ये रिएक्शन क्या कहता है इसको जानना है, बट ये जानकारी आपके लिए है। लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि इतनी सारी जानकारी जो अभी आप लिखेंगे उन सभी जानकारी को उस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में लगाना नहीं है, हर एक क्वेश्चन में वही चीज़, वही यहाँ के इन्फॉर्मेशन को लेना है जो इन्फॉर्मेशन काम का है। जैसे हम यहाँ पर कई सारे इन्फॉर्मेशन इस रिएक्शन से लेंगे, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को जब हम यूज़ करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चंस को करने में, तो उसमें सभी इन्फॉर्मेशन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचना चाहिए और हमें वही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है जिससे क्वेश्चन बने। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। बट अभी आपको सारे इन्फॉर्मेशन को जानना है, जिसमें से पहला इन्फॉर्मेशन इस रिएक्शन को देखने से क्या मिला, ये मिला कि इसका 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो 2 मोल्स अमोनिया दिया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये दिया। अगर यहाँ पर हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया होता और फिर कहते कि ये रिएक्शन क्या कहता है, तो जो भी कहता वो गलत कहता। ये कह रहा था 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 1 मोल अमोनिया दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो सही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन तब मिलेगा जब इसको हम बैलेंस करेंगे, जब इसको बैलेंस करेंगे। इसलिए पहला काम हमें बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको एक एक करके लिखते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन इसने दिया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट किया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिला, पहला इन्फॉर्मेशन ये मिला। दूसरा, ये मोल्स के टर्म में इन्फॉर्मेशन हमने लिया। दूसरा इन्फॉर्मेशन 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 या 14 यू या 14 ग्राम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इन तीनों में से क्या है, 14 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इन तीनों में से क्या है, 14 ग्राम 14 यू। यू सेम है, यू फॉर यूनिफाइड मास के लिए यू और एम यू दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा नाइट्रोजन का, 14 यू, क्या होगा, 14 यू। अब आप लोग भी बता दीजिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो इसमें इनकी गलती नहीं है, आप लोग की भी यही आंसर आप पहले आप भी दिए थे। तो इसके लिए पीछे के 2 लेक्चर्स जो है, मतलब 3-4 लेक्चर जो है अभी पीछे का, वो आप देख लीजिएगा मेरा वाला, ठीक है। तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, इसका आंसर है 14 नॉट 14 यू। जी आप सही सुन रहे हैं। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल का मास अगर हम लेते हैं, ठीक,
तो वन मोल नाइट्रोजन का मास कितना ग्राम होगा? 28 ग्राम. कितना ग्राम होगा? 28 ग्राम. तो हम ये भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का वन मोल मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद, इक्वल नहीं है ये, रिएक्ट्स विद कितना ग्राम हाइड्रोजन? 3 मोल्स मतलब कितना ग्राम? 3 मोल्स कितना ग्राम? 6 ग्राम. 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव कितना ग्राम? 34. मास कंजर्वेशन से भी देख सकते हैं कितना होगा, 34 ग्राम ऑफ NH3. ठीक है. अरे नंबर ऑफ मोल 1 है, वेट हो गया पूछा जा रहा, और इसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास क्या लेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास कितना लेंगे? 28 ग्राम. तो वेट कितना आ जाएगा? 28 ग्राम. वेट कितना आ जाएगा? तो वन मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम. 3 मोल तो 3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम. अब बाई ग्राम मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है? 2 ग्राम. कितना है? 2 ग्राम. तो वेट कितना आ गया? 6 ग्राम. तो यहाँ हो गया 6 ग्राम. अमोनिया का लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? 2. 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम. तो वेट ऑफ अमोनिया इज 34 ग्राम. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिया, ये इंफॉर्मेशन हमने लिया. इस रिएक्शन से एक इंफॉर्मेशन ये मिला, दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिला. अब आगे और क्या दिया, और क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है? अगर हम यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले लें, अगर यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, तो इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम दे रहा है. ये भी तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ. गे-लुसाक्स लॉ लगा सकते हैं कि इसका अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो, अदरवाइज नो. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इसका 1 वॉल्यूम या 1 लीटर जो कहना चाहें, 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 लीटर ऑफ अमोनिया. 2 लीटर ऑफ अमोनिया एक इंफॉर्मेशन ये भी मिला. लेकिन यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो, नहीं तो ऐसा नहीं होगा. ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका 1 लीटर की जगह पे हम 10 लीटर ले लें तो इसका 30 लीटर रिएक्ट करेगा और इसका 20 लीटर देगा. क्या ये सही है? सही है. एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिला. और अगर यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वह कांस्टेंट NTP STP हो जाए, हमने वहाँ भी फिक्स कर दिया बट यहाँ पर कह रहे हैं NTP टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है बट NTP पे है, तो फिर यहाँ पर एक मोल नाइट्रोजन NTP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. कितना? तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि इसका एक मोल बोले तो 22.4 लीटर N2 इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट किया तो 3 मोल का मतलब 3 × 22.4 लीटर 3 × 67.2 लीटर H2 के साथ रिएक्शन करके. सही है. कितना लीटर? 44.8 लीटर देगा अमोनिया. आप ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर जब नाइट्रोजन 3 लीटर से रिएक्ट करेगा उसी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम देखें तो 22.4 लीटर 3 × 22.4 लीटर देगा, रिएक्ट करेगा. और 2 लीटर यहाँ पर है तो इसका 22.4 टाइम्स करेंगे तो 44.8 लीटर अमोनिया देगा. तो आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है. प्रेशर टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है और वह कांस्टेंट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 180 m. अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपको मिला, मतलब ये रिएक्शन ने कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया. बट इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कैसे करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ करेंगे ये भी देखिए. आप
वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो जो है वो तो है ही। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम अमोनिया, ठीक है ये भी सही है। 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 लीटर अमोनिया, ये भी ठीक है। एनटीपी पे इतना लीटर नाइट्रोजन इतना लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इतना लीटर अमोनिया दे रहा है, ये भी सही है। बट इसके अलावा और क्या और क्या, और ये भी हम कह सकते हैं कि इसका एक मोल इसके 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इसका 34 ग्राम देगा, इसका एक मोल इसके 6 ग्राम से रिएक्शन करके इसका 2 मोल देगा। मतलब आप इसको एक दूसरे से ठीक है इंटरचेंज भी कर सकते हैं जी। वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये भी सही है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये भी सही है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब इसका मोल इसका मोल इसका मोल इसका मोल इसका मास इसका मास इसका मोल इसका मास इसका मोल, कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप अगर लेते हैं तो गलत नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम आते हैं तो इसका एक मोल नाइट्रोजन, अगर एनटीपी पे बोला जा रहा है तो एक मोल नाइट्रोजन इसका 44.8 लीटर अमोनिया देगा अगर हम एनटीपी पे लेते हैं तो हम यहां भी बोल सकते हैं कि वन मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑन कंप्लीट एक्सेस ऑफ रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कितना लीटर, 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट एनटीपी। मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप हर तरह से यूज कर सकते हैं, मोल को मास के साथ, मास को मोल के साथ, मोल को मास के साथ, मास को मास के साथ, मोल को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम को मोल के साथ या वॉल्यूम के साथ। तो ये वेरिएशन जो है आपको क्वेश्चंस करने में मदद करेगा। ये समझ में आया क्या किए, हम इसको यूज करना भी देखेंगे कैसे यूज करेंगे, इसको नोट करिए। आपको ये मिल गया, अब क्वेश्चन करना होगा इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कैसे, देखिए सेम क्वेश्चन। अब N2 प्लस H2 NH3 है, अब क्वेश्चन में दिया है कि इसके 0.0014 ग्राम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो इसके कितने ग्राम देगा, कितने मोल देगा, कितने लीटर देगा एनटीपी पे एट एनटीपी। कैसे यूज करना है उस इस कंसेप्ट को उसको समझिए, कैसे यूज करेंगे। हमें इसका मास दिया हुआ है, ये एक्सेस में दिया हुआ है, पूछा जा रहा है अमोनिया कितना ग्राम बनेगा, कितना मोल बनेगा, कितना लीटर एनटीपी पे अमोनिया जो बन रहा है उसका वॉल्यूम होगा। तो अब पहला काम आपको रिएक्शन लिख लेना है, उसके बाद इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है, इसको बैलेंस कर लेना है। तो N2 3H2 2NH3 बैलेंस करने के बाद अब सारा चीज़ नहीं लिखना है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो काम का चीज़ है हम सिर्फ उसको लिखेंगे। काम का क्या है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है और ये एक्सेस में है, इसका मास पूछा जा रहा है। तो जब इसका मास दिया हुआ और इसका मास पूछा जा रहा है तो हमें मास और मास का रिलेशन यूज करना है, मास वॉल्यूम का नहीं, मास मोल का नहीं। टाइम सेव तब होगा जब आप इसको इफेक्टिवली लिखेंगे। मतलब हमें यहाँ से ये देखना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से इसका कितना ग्राम बन रहा है, मतलब ये वाला यूज करेंगे। तो अगर हम कहें यहाँ पर इसके 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 कितना ग्राम, चलिए इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम और इसका कितना ग्राम, 34 ग्राम, ठीक है। तो अब इसका मास दिया हुआ है कितना, 0.0014 ग्राम, तो इसका मास दिया हुआ है और इसका मास पूछा जा रहा है, तो इसके मास और इसके मास में रिजल्ट चाहिए, तो मास और मास का रिजल्ट यूज करेंगे कि इसके 28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना ग्राम बन रहा है, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, जितना चाहिए उतना तो
हम ले ही सकते हैं, ये एक्सेस में है तो इसको पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए जितना चाहिए ये है, इसलिए ये लिमिटिंग हो गया। अब लिमिटिंग का कंसेप्ट फिर हम आगे देखेंगे, मतलब इसको रिएक्ट करने के लिए जितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है उतना दिया हुआ है। इसके 28 ग्राम से इसके 34 ग्राम बनेगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बना। हम कौन सा इन्फॉर्मेशन ले गए, ये 28 ग्राम से 34 ग्राम, बस इसी से हमारा काम हुआ। तो कितना, एक से कितना, तो 0.0014 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनेगा, तो 34/28 मल्टीप्लाइड बाई 0.0014, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 17, मतलब 17 × 10⁻⁴ ग्राम। अब एक क्वेश्चन हमारा बन गया, अब कह रहा है कितना मोल बनेगा, तो इसको दो तरह से, अब वेट निकाल लिए मोल निकाल लीजिए, वेट निकल गया तो मोल निकाल सकते हैं या हम इसको यूज करेंगे। फिर से 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल, 28 ग्राम से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो इतना ग्राम से कितना बनेगा, 2/28 मल्टीप्लाइड बाई 0.0014 मोल, तो ये आपका आ गया 14। (10⁻⁴ मोल, ठीक, 10⁻⁴ मोल, ठीक। अब फिर वही, कितना लीटर एनटीपी पे बनेगा, तो मोल निकाल चुके हैं, 1 मोल एनटीपी पे 22.4 लीटर, तो इतना मोल एनटीपी पे कितना, तो 22.4 × 10⁻⁴, ये भी कर सकते हैं या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, 28 ग्राम इंटू से कितना मोल, कितना लीटर एनटीपी पे बनेगा, 28 ग्राम से कितना लीटर बन रहा है, 4.8 लीटर। 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 44.8 लीटर, क्या NH3, तो 0.0014 ग्राम से कितना, तो 44.8/28 × 0.0014 लीटर। अब यहां पर ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ये आ जाएगा आपको कितना, 22.4 × 10⁻⁴ लीटर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक हमने एक के लिए यूज़ किया, बाकी ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने एक बार यूज़ किया कि इसके 28 ग्राम से इतना ग्राम बनेगा, तो इतना ग्राम से कितना ग्राम बनेगा, ग्राम निकाल लिए तो फिर मोल निकालना होगा, तो ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे मोल निकल जाएगा, और वॉल्यूम निकालना होगा एनटीपी पे, तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से तो वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं समझे, अगर हमने एक एक कैलकुलेशन कर लिया मास और मास के रिजल्ट से, जैसे ये कैलकुलेशन किया, वेट ऑफ अमोनिया आप निकाल चुके हैं कितना, 17 × 10⁻⁴ ग्राम, जैसे ही आप वेट निकाल लिए तो अब आप सिंपली यहां से भी बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इज वेट इन ग्राम बाई ग्राम मोलिकुलर मास, वेट इन ग्राम बाई ग्राम मोलिकुलर मास, तो वेट कितना, 17 × 10⁻⁷ बाई ग्राम मोलिकुलर मास 17, तो कितना, ये माइनस फोर है, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁴ मोल हो गया। अब एक मोल एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल, कोई भी गैस हो, एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस मतलब अमोनिया भी, कितना, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एनटीपी। तो कितना मोल निकाले हैं, 10⁻⁴ मोल्स, कितना देगा, 22.4 × 10⁻⁴, क्या यही आया है, कितना लीटर। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो उस रिलेशन को यूज करना ही पड़ेगा, इस रिलेशन से एक बार तो जाना ही होगा। यहाँ से भी जा सकते हैं,
यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये सारा रिजल्ट इसी कैलकुलेशंस को करने के लिए है। लिख लिए, इसको नोट करिए। The volume of O2 gas produced, by the decomposition of decomposition of 1.225 gram of potassium chlorate, the volume of O2 gas produced by the decomposition of 1.22 gram of potassium chlorate at NTP will be, ऑप्शन हम दे देते हैं, ए 22.4 लीटर, बी 2.24 लीटर, सी 1.12 लीटर, डी नन ऑफ दिस। क्लोरीन के लिए 35.5 एंड ऑक्सीजन के लिए 16 को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहला प्रॉब्लम है कि इसमें जो फार्मूला दिया नाम है, वो नाम का फार्मूला आपको आना चाहिए। बिना फार्मूला आप सीधे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे अगर पोटेशियम क्लोरेट नहीं पता होगा। एक समस्या ये आती है मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने में। दूसरी समस्या, अगर इसका फॉर्मूला आपको हम बता भी दें या आपको आता भी होगा तो रिएक्शन लिखना नहीं आएगा तो नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मोल कंसेप्ट में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रिएक्शन दे दिया था तो कुछ हद तक हमें मदद मिल गई, बैलेंस ही तो करना है। बहुत केस में बैलेंस किया हुआ रिएक्शन मिल जाता है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो और अच्छा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको न रिएक्शन दिया हुआ है और न ही उसमें जो कंपाउंड यूज किया गया उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। उस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। तो हम अब बता रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3, ClO4 माइनस इज पर क्लोरेट आयन। ClO4 माइनस होगा तो पर क्लोरेट होगा, यहाँ क्लोरेट है तो क्लोरेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KClO3। अब इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, अब ये अगला क्वेश्चन है। तो चलिए ये भी हम बता देते हैं, क्या KCl+O2, चलिए KCl+O2। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको बताइए कि पहले ये इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, यहाँ टू कर दें, यहाँ टू कर दें और यहाँ थ्री कर दें, अब ये बैलेंस हो गया, अब यहाँ पर KClO3 सॉलिड है, KCl सॉलिड है और O2 गैस है। तो हमें इसका क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। KClO3 का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और O2 का वॉल्यूम पूछा जा रहा है NTP पे, तो हमें O2 का मोल चाहिए होगा। अगर मोल आ गया तो वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब इसका मास इसका मोल में रिलेशन चाहिए। तो इसके मास निकालने के लिए पहले तो इसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या कहता है,
KClO3 का अगर निकालेंगे तो पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5 एंड ऑक्सीजन 16, 3 48, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 122.5 आएगा। कितना? 122.5 आएगा, और इसी के हिसाब से हमने वैल्यू भी लिया है 1.225। ये हो गया इसका मोलिकुलर मास। तो इसका 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 2 मोल का मास इसका डबल, इसका डबल, डबल बोले तो 245 ग्राम। 2 मोल का मास इतना होगा 245 ग्राम। KClO3 को डिकम्पोज करेंगे, ये कितना मिला इसकी ज़रूरत है ही नहीं तो हम क्यों लिखें, ज़रूरत जितना है हम उतना लिखेंगे। इसके कितने मोल दिया? 3 मोल। तो इसका मास इसका मोल से हमारा काम हो रहा है, इसका मास और इसके मोल से हमारा काम हो रहा है। तो हम इसके मास और इसके मोल के इन्फॉर्मेशन को लेंगे। तो बताइए 245 ग्राम KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2। इतने ग्राम से 3 मोल बना, बट आपको दिया कितना है? 1.225 ग्राम दिया है, इससे कितना बनेगा? तो 1.225 ग्राम ऑफ KClO3 से कितना? तो 3/245 इंटू 1.225, इतना मोल मिलेगा O2 का, ऑफ O2। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या हो, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से जाएगा क्या? फाइव से जाएगा तो ये हो गया 15 × 10⁻³ मोल। इतना मोल आपका आ गया। और जब मोल निकाल लिए तो आप ये भी तो बता सकते कि इसके इतने ग्राम से 3 मोल बना, और 1 मोल NTP पे कितना वॉल्यूम? 22.4। 1 मोल NTP पे कितना वॉल्यूम? तो 1 मोल ऑफ O2 एट NTP ऑक्यूपाई या गिव्स 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो हमने कितना मोल निकाला है? 15 × 10⁻³ मोल। तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 10⁻³ × 22.4 लीटर, जो भी कुछ है। ये जो डाटा है, ये डाटा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इनमें से कोई वैल्यू नहीं है। आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ये आया समझ में? क्या किए, यही करना है आपको जी, यही करना है आपको। मोलर मास, मोलिकुलर मास पहले हम कैलकुलेट किए KClO3 का। ठीक, प्रोसेस यही होना चाहिए। जो प्रोसेस आपको जो बताया जा रहा है उसी को बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनेगा। हाँ, सारा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको लिखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसका मास निकालने गए, फिर इसका मोल निकाले, फिर हम, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया है हमें उसके हिसाब से भरना है, जो पूछा जा रहा है। दिया हुआ मास है, पूछा जा रहा है वॉल्यूम है, तो मास मोल निकाल लिए, मास मोल निकाल लिए, मोल निकाल लिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। समय नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, अब जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो है लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे। क्वेश्चन, H2+O2 गिव्स H2O,
और इसका दिया हुआ है 0.4 ग्राम और यहाँ दिया हुआ है 3.2 ग्राम। पूछा जा रहा है इसके कितने ग्राम बनेंगे, जल्दी। ही इज हैविंग एटॉमिक मास 16। टीम बनेगा, सिक्स और किसी का 3.6 ग्राम, एक आंसर आया, और किन्हीं का कुछ और है 2.12 समथिंग, एक आंसर आया 2.12 समथिंग ग्राम। अब दो आंसर है तो कोई एक ही सही होगा, दोनों तो सही नहीं है, देखते हैं। और इसके अलावा भी किन्हीं का कोई आंसर आ रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 0.8 ग्राम। चलिए, अपने मैच्योर बन जाए कि मरीज आए तो आप घबराए नहीं। इस क्वेश्चन को देख के अगर घबरा गए और इतना समय ले लिए तो मरीज को देख करके भी वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। तो यही चीज के लिए तो हम मैच्योर बना रहे हैं आपको कि जल्दी जल्दी आप कर सके, ताकि मरीज भी आए तो जल्दी जल्दी इलाज करे। यही नहीं कि पहले उसको रोको, फॉर्मेलिटी पूरी तरह से कर लो, फिर हम जाएं तब तक पता चले वो चला जा चुका है। नहीं तो आप इतने एक्टिव रहें, इसी के लिए तो ये सब चीज़ सिखाया जाता है, नहीं तो इस केमिस्ट्री का क्या ज़रूरत है मेडिकल में। न केमिस्ट्री का, हाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है ही, लेकिन फिजिक्स की क्या ज़रूरत है, मोशन। लेकिन पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ के सीखेंगे पेशेंस के साथ। फिजिक्स पढ़ना मतलब पेशेंस रखना। तो जब डॉक्टर बन गए तो पेशेंस के साथ इलाज करेंगे, ये नहीं कि जल्दबाजी में इलाज करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाया। बायो तो खैर ज़रूरी भी है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पेशेंस रख सके, क्वेश्चंस को करने में समय दें, पेशेंस के साथ उस क्वेश्चन को करें, ताकि आगे भी आपके अंदर वो पेशेंस आए। बिना पढ़े आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा डॉक्टर का, क्या कैसा डॉक्टर बनेंगे आप। देख, इसका आंसर 3.6 ही है, ये तीन आंसर गलत है। तो कैसे, देखिए कैसे। तो पहला काम आपको क्या बताया गया, रिएक्शन जब भी आप लिखते हैं तो उसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस कर लिया, बैलेंस किया तो यहां हमने क्या पाया, 2H2 + O2 2H2O। ओके, अब इस रिएक्शन में इसका मास और इसका मास दिया हुआ है। बट यहाँ पर अगर ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बोले तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोले तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनने का मतलब है 36 ग्राम वाटर। अब जब दोनों का मास दिया हुआ है और यहाँ पर कितना है 0.4 ग्राम और यहाँ है 3.2 ग्राम, यहाँ पर 4 ग्राम से 36 ग्राम बन रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन यही कह रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम, 36 ग्राम, तो 0.4 ग्राम से कितना ग्राम, 3.6 ग्राम। चलिए आप कहे कि नहीं इससे किया, आप इससे करके दिखाइए, इससे करते हैं। 32 ग्राम से 36 ग्राम तो 3.2 ग्राम से कितना, 3.6 ग्राम। अगेन चाहे हम हाइड्रोजन से जाए चाहे ऑक्सीजन से जाए, मास तो यही आना है, ठीक, मास यही आएगा। 4 ग्राम से 36 ग्राम तो 0.4 ग्राम से इसका 1/10 किया, तो 10 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 10 से डिवाइड हुआ 3.6 ग्राम। 32 ग्राम से 36 ग्राम अगर इसको हम 10 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 10 से डिवाइड हुआ तो 3.6। चाहे हम हाइड्रोजन से जाए चाहे ऑक्सीजन से जाए, मास सेम आ रहा है।
दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. यहां तक आप लिमिटिंग के कंसेप्ट में नहीं घुसे हैं, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन दे दे, मतलब आंसर क्लियर है 3.6, कोई दिक्कत? अब हमने इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया. चेंज क्या किया? चेंज किया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, और हमने इसमें चेंज किया इसके 0.4 ग्राम और इसके 3.8 ग्राम. पूछा जा रहा है इसके कितने ग्राम. चलिए एक काम करते हैं और आसान कर देते हैं, आपको और आसान कर देते हैं. 3.6 ग्राम. तो कितना ग्राम बनेगा? यहाँ मास कंजर्वेशन था, 0.4 ग्राम प्लस 3.2 ग्राम कितना ग्राम बना? 3.6. 0.4 प्लस 3.2 कितना ग्राम? तो मास कंजर्वेशन से जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा. तो 0.4 प्लस 3.2 कितना? 3.6 ग्राम. अब आपके पास क्वेश्चन है कि 0.4 ग्राम 3.6 ग्राम हमने लिया, कितना ग्राम बनेगा? ऑप्शन इज गिवेन टू बी ए 4 ग्राम, बी 40 ग्राम, सी 4 ग्राम, मास वहां भी कंजर्व है. तो इसका आंसर हाइड्रोजन से जाएंगे तो कुछ और आएगा और ऑक्सीजन से जाएंगे तो कुछ और आएगा. अगर हम हाइड्रोजन से जाएं तो कुछ और आएगा. देखिए और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये कोई ना कोई यहाँ पर बच रहा है. क्वेश्चन ये हो गया कि कोई ना कोई बच रहा है, मतलब यहीं पे हम चाहेंगे अब आपको इंट्रोड्यूस करना क्या? लिमिटिंग रिएजेंट. मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. व्हाई? इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है. देखिए अगर हम H2 प्लस O2 से H2O बना रहे हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन से देखें तो इसके 4 ग्राम से इसके कितने ग्राम बन रहे हैं? 4 ग्राम, 32 ग्राम से रिएक्ट किया तो कितना? 36 ग्राम. चलिए अगर हम इसके 0.4 लिए, मान लीजिए हमने इसके 0.4 ग्राम से, 4 ग्राम से कितना बना? 36. तो 0.4 ग्राम से कितना बनेगा? 3.6 ग्राम. एक आंसर तो आपका ये आ रहा है. अगर हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से जाते हैं तो 32 ग्राम से कितना बना? 36 ग्राम. अगर हम यहाँ पर 3.6 ग्राम लिए जो दिया हुआ है वो, तो इससे कितना बनेगा? तो 36 बाई 32 इंटू 3.6, राइट? तो ये आएगा आपका कुछ ऐसा. ठीक है, 9. हाँ, 8. ये हो जाएगा 4 से 9 और 4 से 2, तो 81/20 है 2, तो 40.5 कितना जाएगा? 4.05 कितना हो गया? चलिए तो अब आ गया 4.05, मतलब मास कंजर्वेशन यहाँ भी देखें 4.05 आ रहा है. ठीक है, तो 0.4 प्लस 3.6 सही किए हैं. सही है? सही तो नहीं लग रहा है. 0.4 प्लस ये 4 ग्राम हो रहा है, 4 ग्राम हो रहा है एग्जैक्टली. ठीक है, लगभग. अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कौन सही है. अगर आप
किसी ने कहा कि नहीं सर हम इसकी बात मानेंगे, तो किसी ने कहा सर हम इसकी बात मानेंगे, क्योंकि रिएक्ट तो दोनों ने किया, तो हम हाइड्रोजन के आधार पर निकाले, किसी ने कहा हम ऑक्सीजन के आधार पर निकाले, तो अलग अलग आंसर आ रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप यहाँ से जाएँ तो भी, यहाँ से जाएँ तो भी दोनों से सेम रिजल्ट था, 4 ग्राम से 36 ग्राम तो 0.4 ग्राम से 3.6 ग्राम, और यहाँ से जाए 32 ग्राम से 36 ग्राम, 3.2 ग्राम से 3.6 ग्राम, दोनों से सेम रिजल्ट था। इसलिए ये क्वेश्चन लिमिटिंग का नहीं था, किसी से भी जाइए प्रोडक्ट तो सेम बनना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इससे अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, इससे अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ही सही है और वो है ये। तो क्वेश्चन यही क्यों सही है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कौन लिमिटिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग है। अब पता कैसे चलेगा, तो इसके कंसेप्ट को पहले समझिए। हाइड्रोजन के 4 ग्राम से इसके 32 ग्राम रिएक्ट करेगा, अगर इसके 0.4 ग्राम लेते हैं तो इसका 1/10 किया तो इसका भी 1/10 ही होगा ना। रिएक्शन जब भी होता है तो इसी रेशियो में होता है, इसलिए तो ओरिजिनल इक्वेशन में हमने इसको यूज किया कि इसके 4 ग्राम से जब भी करेगा कंप्लीट रिएक्शन तो इसके कितने 32 ग्राम ही होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते, और अगर ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ बच रहा है, और कम लेंगे तो कुछ ना कुछ ये वाला बचेगा। तो अगर हम इसके 4 ग्राम से 32 ग्राम रिएक्ट करा रहे हैं तो 0.4 ग्राम से कितना रिएक्ट करना चाहिए, 3.2 ग्राम रिएक्ट करना चाहिए, 0.4 ग्राम तो बच गया ना। तो ये एक्सेस वाला कहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा, जो रिएक्ट करेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा कि जो रिएक्ट नहीं करेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा, जो रिएक्ट करेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्ट करने वाले कितने, रिएक्ट करने वाले 3.2 ग्राम एंड 0.4 ग्राम विच इज 3.6 ग्राम, जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो तो एक्सेस है, हम उसको कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि whether the question is of limiting reagent or not। तो आप इसके लिए कंसेप्ट समझिए पहले। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा, बट हम कैसे कब कहाँ लिमिटिंग का कंसेप्ट घुसाएंगे, कब हम समझेंगे कि ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है और ये लिमिटिंग का क्वेश्चन नहीं है। पहला तो ये क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है ये लिमिटिंग का नहीं है। तो इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर हम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट, लिखिए द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन called limiting reagent। reagent किसी भी chemical reaction में वो reagent जो पूरी तरह से consume हो जाए उस reagent को limiting reagent कहेंगे, and दूसरा reagent जो बच रहा है उसको excess reagent कहेंगे। the reagent which remains unreacted, called excess reagent। product का formation हमेशा limiting reagent पे depend करता है, excess reagent पे नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट से नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट जी।
लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, एक्सेस रिएजेंट पे नहीं। इसलिए हम बात मानेंगे किसकी, यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब से, ना कि ऑक्सीजन के हिसाब से। बट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिमिटिंग अभी शुरू हुआ है। यहाँ यहाँ हाँ बस हो गया। हाँ तो